गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीवी ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने आरती जी का जो सेशन किया था उसमें आरती जी जो हमें बता रहे थे, तो वो टाइम हमारे पास इतना नहीं बचा था कि सारी चीजें कवर की जा सके। तो इसकी वजह से उन्होंने ये कहा था कि जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो अब वो आज समय आ गया है कि रिमेनिंग पार्ट जो है वो शुरू करें। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक दो चीजें हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बताई थी, तो वो आज रिपीट नहीं करनी पड़े, इसलिए मैं ही याद दिला दूं कि उन्होंने एक बात और भी बोली थी कि हमारे पास स्किन फॉर्मूला 9 के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके पीवी बहुत बढ़िया है। तो अगर आप दो प्रोडक्ट भी खरीदते हो तो आपकी कंसिस्टेंसी 100 PV की आराम से हो जाती है, या 117 की भी हो जाती है, या जो लोग 60 PV से करना चाहते हैं तो एक प्रोडक्ट लेकर के भी कई बार कर सकते हैं। तो ये चीजों को आपने ध्यान में रखना, और प्रोडक्ट्स तो अमेजिंग है ही हैं। तो जितने आपने प्रोडक्ट्स बनाए बताए थे लास्ट टाइम, उसके आगे से आज आप शुरू करें। ओवर टू आरती जी। ओके सर, थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू ऑल आर रेडी विद अ पेन एंड पेपर, है ना। एंड कुछ प्रोडक्ट्स आपने भी इस्तेमाल किए होंगे, कुछ बाकी होंगे, तो आज वो भी देख लेते हैं हम। सो मुझे जस्ट एक सेकेंड का टाइम दीजिए ताकि मैं पीपीटी आपके साथ शेयर कर लूं। जी जी ओके, पीपीटी दिख रही है आप सबको? हाँ जी दिख रही है। ओके फाइन, सो लास्ट सेशन में हमने जो देखा था वो था ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। मैं जस्ट एक रिवीजन कर रही हूँ ताकि एक आपके दिमाग में फिर से रिवीजन हो जाए। हमने देखा था ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम फॉर द पिगमेंटेशंस, अगर स्किन लूज है या स्किन पे रिंकल्स है, तो हमने बात की थी यूथ इलिक्सर की। देन हमने बात की थी बहुत ज्यादा अगर स्किन ड्राई है तो हम हाइड्रेशन देंगे, एंड आपको पता भी होगा कि हाइड्रेशन बड़ा अच्छा 50% डिस्काउंट पे भी आया था, तो बहुतों ने फायदा भी इसका उठाया है, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। देन हमने देखा था अंडर आई सीरम, अगर आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज्यादा पिंपल्स है चेहरे पे तो हम ब्लेमिश जेल का सजेशन देंगे, एंड बहुत ज्यादा ऑयली चेहरा है और पिंपल्स भी आ रहे हैं तो हम उन्हें डीप क्लेंजिंग ऑयल सजेस्ट करेंगे। ये 5 प्रोडक्ट्स जो ऐसे थे जो एक सर्टन एज के बाद ही दे सकते, आप हर किसी को नहीं दे सकते हो। यानी बहुत बार होता है कि भाई 18 साल के बच्चे क्या दे दे, क्या 20-21 साल के लोग हैं उनको एश्योर का सॉरी स्किन फॉर्मूला 9 का यूथ इलिक्सर दे क्या, तो वो आपको नहीं देना है, आप 25 एंड अबव को ही दे सकते हो। सो ये जो प्रोडक्ट मैंने 5 बताए ये 25 एंड अबव। अब जो प्रोडक्ट्स बता रही हूँ ऑन एन एवरेज 6-7 प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट्स है ये प्रोडक्ट्स आप दे सकते हो 18+ को। ये ऐसे फॉर्मुलेट करके बनाई गई ये प्रोडक्ट कि आप 18+ को भी प्रोडक्ट्स दे सकते हो। अब जब मैं बोलती हूँ स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स 18+ को देना है ये वाले, तो प्लीज ये प्रश्न कभी मत पूछिएगा क्या 13 साल और 14 साल को दे दे, नहीं वो नहीं दे। उसकी स्किन के लिए थोड़ी सी हैवी हो जाती है ना, जैसे छोटा बच्चा है तो आप उसे तुरंत दूध नहीं पिला सकते, यू गो फॉर दी गाय का दूध, आप डायरेक्टली उसे बाहर का दूध नहीं पिला सकते। क्यों? बच्चा ये पचाएगा लेकिन उसकी कैपेसिटी कम होती है डाइजेस्ट करने की। वैसे आपकी स्किन जब यंग होती है तो उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है हैवी डोज को लेने के लिए। ओके, तो हम ये प्रोडक्ट देंगे 18 एंड अबव को। क्लियर? अभी जो प्रोडक्ट्स मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाऊंगी उसमें है फिलहाल 2 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं आपको, एक है शीट मास्क और एक है हमारा प्रो प्रेप एंड प्राइम। शीट मास्क की पहले बात करते हैं, शीट मास्क द वंडरफुल प्रोडक्ट। अब गर्मी आ रही है, समर शुरू, स्किन ऑयली होना, स्किन चिपचिपा हो जाना, स्किन में ग्लो नहीं दिखना, थका हुआ स्किन दिखना, आप सबका होगा, फील्ड वर्क हमने शुरू कर दिया है अब तो, है ना। सो ओके, ये रहे हमारे विटामिन मतलब हमारे शीट मास्क। आई होप आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्लियरली। ये दिख रहा है। ओके, क्योंकि कभी कभी ना नेटवर्क इशू हो जाता है तो स्क्रीन दिखाई नहीं देता, इस वजह से एक बार आपको रिपीट कर रही हूँ। ओके, नंबर 1 जो शीट मास्क है दैट इज विटामिन सी शीट मास्क है। हमेशा याद रखिएगा, जब चेहरे के लिए कोई प्रोडक्ट हम यूज करते हैं जिसको हमने नाम दे दिया मास्क, तो मास्क जो होता है ना वो मैग्नेट का काम करता है,
फिर चाहे वो चारकोल पिलफ मास्क हो, चाहे वो गोल्ड पिलफ मास्क हो, या वो शीट मास्क हो, या आपका मड मास्क हो, या आपका अश्योर फेशियल मास्क हो, मास्क का काम होता है चेहरे पे मैग्नेट के जैसा काम करना। इन शॉर्ट मास्क आपकी डेड स्किन को निकाल के फेंकने का काम करता है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, हम मास्क को चेंज करते जाते हैं। ये जो मास्क है दैट इज एन इंस्टेंट ग्लो शीट मास्क आ गया। लाइक विटामिन सी दो तरीके से यूज कर सकते हो, एक इंस्टेंट ग्लो के लिए, दूसरा आप इसको यूज कर सकते हो एज अ ट्रीटमेंट, जिनको बहुत पिंपल्स है, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा रफ हो चुकी है, पोर्स ओपन हो चुके हैं, बड़े बड़े पोर्स, एक्नेस हो चुके हैं चेहरे पे, वो सब इसे यूज कर सकते हैं। ये क्या काम करता है, ये डल स्किन, फ्लैकी स्किन, इस पे काम करेगा स्किन को, जो रफ स्किन है उसको स्मूथ बनाएगा, ब्राइट लुक देगा स्किन को, साथ साथ में ये एंटी ब्लेमिश का काम करता है एंड आपकी स्किन को रिफ्रेश एंड रिजिनेट करता है, यानी नेचुरल ग्लो देता है। अब इसके अगर इंग्रेडिएंट की मैं बात करूं तो इसके अंदर हमने यूज किया है पापाया एक्सट्रैक्ट, लेमन जूस एक्सट्रैक्ट एंड नियासीमाइड, ठीक है। नियासीमाइड मिनरल का नाम है, इसका इस्तेमाल इसके अंदर किया है जिसके कारण आपका स्किन मॉइस्चर है। आप हमेशा याद कर रखिएगा, जब आप कोई भी प्रोडक्ट जिसका इंग्रेडिएंट सी होता है, विटामिन सी होता है, वो ना ऑयल को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और कहीं ना कहीं एक लेवल पे ले जाके आपकी स्किन को ड्राई छोड़ देगा। आप इवन आप अपने हाथों पे भी जस्ट ट्राई इट, अच्छा खासा क्रीम लगाने के बाद उस पर लेमन घिस दीजिए, रब इट एंड आफ्टर 5 मिनट्स यू विल सी क्रीम पूरा अब्सॉर्ब हो चुका है, क्रीम है ही नहीं, उल्टा स्किन आपका रफ हो गया, ड्राई होना शुरू हो जाता है ना। बट हमने इसमें यूज किया है पपाया एक्सट्रैक्ट, जो आपके स्किन को मॉइस्ट रखेगा, ब्राइटर लुक देगा बिकॉज ऑफ विटामिन ए, डेड स्किन को निकालेगा, लेमन जूस अपना काम करेगा, स्किन को ग्लो देगा, एजिंग से बचाएगा, प्रीमेच्योर एजिंग से बचाएगा, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करेगा। अब जब ये दोनों काम करते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है, नियासीमाइड का काम बन जाता है कि स्किन को मॉइस्चर रखे, मतलब टोटली स्किन को ड्राई ना करे, उसकी नरिशमेंट करे, है ना। ओके, आपने कभी बचपन में ये किया है क्या, एक पेपर पे रेती लेके? नहीं किया होगा तो अब करना, ठीक है, अभी भी बचपन वाले गेम खेलोगे ना तो मजा आएगा। एक पेपर पे थोड़ी सी रेती ले लेना और मैग्नेट, आपके बच्चों के पास श्योरली कबट में कहीं ना कहीं मैग्नेट मिल जाएगा, कबट उस मैग्नेट को ना उस पेपर के ऊपर घुमाना, नीचे मत करना, ऊपर घुमाना, पूरी तरह से मत बिठा देना, इतना डिस्टेंस रख के उसको घुमाते रहना। पता है क्या होगा, कुछ देर में जितने भी उस रेती में छोटे छोटे आयरन पार्टिकल्स हैं जो नहीं दिख रहे, जो आपको रेती की जैसे ही दिख रहे, आप अगर खुली आंखों से देखोगे तो रेती दिखेगी, लेकिन उस पर मैग्नेट घुमाओगे तो क्या होगा, छोटे छोटे बारीक पार्टिकल मैग्नेट के अगर सारे के सारे मैग्नेट पे चिपक जाएंगे, आयरन के पार्टिकल्स, राइट। सो ये जो होता है ना, ये मैग्नेट ने उसको अट्रैक्ट कर लिया और चिपक गए सारे पार्टिकल्स, तो उसको सेपरेशन कर दिया। वही काम मास्क करता है आपके चेहरे, क्लियर। मास्क क्यों यूज करना है, तो मास्क आपके चेहरे पे मैग्नेट का काम करता है। जब आप मास्क को लगाते हो फेस पे और 15 मिनट बैठते हो, 15 मिनट के अंदर मास्क आपके स्किन के पोर्स को खोलता है, उसमें से डस्ट पूरा खींच के निकालता है और वापस धीरे 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 उस पोर्स को श्रिंक कर देता है, कम करके छोड़ देता है, क्लियर। इसलिए मैंने कहा था कि कोई भी मास्क हो, इसका काम एग्जैक्टली क्या होता है, स्किन को डीपली क्लीन करना। अब कैसे क्लीन करना वो मैंने आपको समझा दिया, आप किसी को बताना चाहो तो आप मैग्नेट वाला एग्जांपल लेके दिखा सकते हो, ओके। सो विटामिन सी हम किसको देंगे, जिनका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है। जितने भी मेल्स अगर मुझे आज ट्रेनिंग में सुन रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगी, प्लीज विटामिन सी शीट मास्क लीजिए, बिकॉज आप सबका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है। इवन आप सबके स्किन का कॉम्प्लेक्शन टैंड है, और ये टैंड क्यों है, बिकॉज आप अपनी स्किन का प्रॉपर ध्यान रखते नहीं। हफ्ते में एक विटामिन सी शीट मास्क, सो महीने के 4, क्लियर। द नेक्स्ट वाइट शीट मास्क इज विटामिन ई शीट मास्क। अब आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, रिंकल्स की प्रॉब्लम है, ग्लो नहीं है चेहरे पे, डल स्किन दिख रही है बहुत ज्यादा आपकी, आपके स्किन पे ना क्या कहूंगी मैं, फ्रेशनेस ही नहीं है बिल्कुल भी,
स्किन क्रैक्स में आ चुकी है, देन यू कैन गो विद दी विटामिन ई शीट मास्क. विटामिन ई शीट मास्क के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपकी स्किन को रिफ्रेश करता है, आपकी स्किन को स्मूद करेगा और आपकी स्किन को एक यंगर लुक दे देगा, आपकी स्किन का मॉइस्चर लेवल मेंटेन करेगा. इंग्रेडिएंट क्या है? नंबर वन, बिसाबोला एक्सट्रैक्ट. बिसाबोला एक फूल का नाम है, या मैं ये कहूं कि इसका कजिन हमारे यहाँ इंडिया में रहता है और वो है हमारा शेवंती. शेवंती का फूल मालूम है? उसको आई थिंक शेवंती ही बोलते हैं. मोस्टली शादियों में उसमें इस्तेमाल किया जाता है. व्हाइट कलर का फ्लावर होता है, बीच में येलो होते हैं, पूरे व्हाइट पेटल्स होते हैं, गेंदे के जैसा बड़ा सा, मतलब गेंदे के जैसे बहुत सारी पेटल्स होती है उसमें, उसको शेवंत बोला जाता है. और आई कैन से डेजी फ्लावर, उस टाइप का ही होता है ये. सो ये फ्लावर एक्चुअली इंडिया में नहीं मिलता. और ये फ्लावर का काम क्या है, इसका एक्सट्रैक्ट क्या करता है, इसका जो रस निकलता है वो आपकी स्किन को स्मूथ करेगा, काम करेगा, मॉइस्चर आपकी स्किन पे मेंटेन करके रखेगा एंड साथ साथ में आपकी स्किन में जो रिंकल्स आ रहे हैं उसको कम करेगा. देन द अनदर वन इज रेपसीड एक्सट्रैक्ट. अब ये रेपसीड क्या है, नया नाम है, बट अगर आप पिक्चर को अच्छे से देखोगे तो कुछ ना कुछ राई के जैसा दिख रहा है. तो रेपसीड एक्चुअली राई ही है, बट हम जो घरों में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए वो यूज करते हो आप राई, सरसों छोटी वाली, है ना. बट जो दूसरी राई होती है जो थोड़ी सी मोटी होती है, बड़ा राई का दाना होता है जो स्पेशली तेल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सरसों के तेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सो हमने उसको यूज किया इसमें रेपसीड को, बिकॉज उसके अंदर एक ओमेगा 3 होता है, दूसरा ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है जो आपकी स्किन को नरिश एंड हाइड्रेट करता है. अगर आपको लगता है कि ओमेगा 3 के स्किन के लिए सही है या नहीं, तो उसके दो एग्जांपल है. इफ यू गो टू द ईस्टर्न साइड लाइक कोलकाता, असम, उड़ीसा और सेवन सिस्टर्स, आप मैक्सिमम लोग देखोगे वहां पे दे आर अ फिश ईटर, दे ईट फिश अलॉट, राइट. एंड वो देखना फर्क दिखता है कि वो जितना, मतलब उनकी स्किन बड़ी ग्लो करती है, बड़ी शाइन करती है, बिकॉज फिश के अंदर ओमेगा 3 होता है. और आप जब फिश खाते हो तो वो ओमेगा 3 आपकी स्किन पे नजर आता है. बट एज एन वेजिटेरियन व्हाट वी शुड टेक, सो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में क्या होता है बताए, ओमेगा 3 का स्पेशली टैबलेट्स को यूज किया जाता है फॉर द फेशियल. ओके, सो वी हैव एडेड विटामिन इन विटामिन ई शीट मास्क ऑलरेडी बिकॉज ऑफ रेपसीड ऑयल, रेपसीड एक्सट्रैक्ट. ओमेगा 3 हमें मिल गया और इसका इंस्टेंट आपको रिजल्ट ये मिलेगा. जैसे आप शीट मास्क लगाओगे 15 मिनट तक के रखोगे, जब आप निकालोगे तो आपकी स्किन से पूरा डर्ट निकल के आपकी स्किन एक अलग लेवल में शाइन करना शुरू कर देती है. सो इसीलिए इसमें यूज किया गया है रेपसीड, ताकि ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड आपकी स्किन को ऊपर से मिल जाए, एक्सटर्नली मिल जाए, आपको कुछ खाने की जरूरत न पड़े इसके. क्लियर? नाउ द लास्ट वन इज हाइड्रेशन शीट मास्क. ये उन लोगों के लिए जिनका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है. और आई विल से अब शादियों का मौसम शुरू हो गया है, समर आ गया, मतलब शादियां फिर शुरू हो गई, है ना. एंड शादी में, इन समर्स में अगर हम तैयार होते हैं तो आप 80% लेडीज को देखोगे जब मेकअप कर लेते ना, तो दिस पोर्शन, ये वाले पोर्शन पे मैक्सिमम ड्राइनेस दिखती है या फाउंडेशन उठ के बाहर आता है. मतलब हमें समझ में आता है इन्होंने यहाँ पे बहुत सारा ना फाउंडेशन लगाया है, जो वो ग्रे दिख रहा है. ऐसा हुआ है कभी? ऐसा कभी आपने देखा है कि ग्रे ग्रे दिखता है फाउंडेशन, है ना. सो ये ग्रे दिखने का कारण ये होता है कि ये स्किन ना ड्राई है, ये ड्राई हो जाती है जिसके कारण आपका फाउंडेशन ग्रे दिखता है. सो मैरिजेस के टाइम पे अगर आप में से किसी का भी स्किन ड्राई है, मैं ये सजेशन दूंगी कि आप हाइड्रेशन का जो शीट मास्क है वो तो लगाइए ही लगाइए हफ्ते में एक बार. लेकिन जब आप तैयार हो रहे हो, जब आप किसी शादी में जा रहे हो, आपको मालूम है क्या शादी में जाना है, आपको मालूम है आपके रिलेटिव की शादी है, आपके घर की किसी की शादी है, मालूम है, तो आपको मेकअप अच्छा करना है, तो आप क्या करोगे, 15 मिनट पहले चेहरे को क्लीन करके आप शीट मास्क लगा के बैठो, हाइड्रेशन शीट मास्क लगा के रखो, उसके बाद उसकी मसाज कर लो. शीट मास्क 15 मिनट में निकाल दो, जो सीरम है उसकी मसाज करो, कॉटन लो, कॉटन से पोंछ लो, एंड उसके बाद चेहरा धोना नहीं है,
तुरंत उसके ऊपर मेकअप करना शुरू करो. यस, यू विल सी योर बेस्ट रिजल्ट. ओके, आप रेगुलर तो यूज करोगे, लेकिन अगर आपका स्किन ड्राई है और आप पार्टी में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, तो आप इसको वापस इस्तेमाल इस तरह से करोगे. और एक और इसका रूल है कि आप कोई भी शीट मास्क लगाते हो, देन यू डोंट हैव टू वॉश योर फेस. प्लीज रिमेम्बर दिस कि आप कोई भी शीट मास्क लगाओ, सी लगा रहे हो, ई लगा रहे हो, हाइड्रेशन लगा रहे हो, फेस पे लगाने के बाद आपको धोना नहीं है चेहरे को. लगा के रखो, 15 मिनट मसाज करो, 15 मिनट के बाद मसाज करके कॉटन लेके उसको पोंछ दो पूरा. और ट्राई करो कि आप रात को ही इस्तेमाल करो, दिन में इसको इस्तेमाल ना करो. इमरजेंसी है या कोई फंक्शन है या आप किसी के ऊपर डेमो कर रहे हो दिन में, तो प्लीज अपने साथ कॉम्पैक्ट पाउडर 7 नंबर का मिस्टर लव मिलान का रखना, 007 व्हाइट पर्ल कॉम्पैक्ट पाउडर. क्यों? क्योंकि आप जब शीट दिन के समय में अगर आपने शीट मास्क निकाला और उसको क्लीन किया, तो उसको सन प्रोटेक्शन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम उसको सलाह ये देंगे कि आप 7 घंटे तक चेहरा नहीं धोओगे. शीट मास्क का पहला रूल कि आप 7 आवर्स तक चेहरा नहीं धोगे, इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं मैक्सिमम नाइट में आप शीट मास्क को यूज करो, और दिन में तब यूज करो जब आप किसी फंक्शन में जा रहे हो तब, और तुरंत उसके ऊपर मेकअप करो ताकि आपका स्किन ग्लो करते रहेगा. वो जो सीरम है ना, वो धीरे 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 आपके स्किन में पेनिट्रेट होगा, फैलेगा और ग्लो देना शुरू करेगा. हाइड्रेशन शीट मास्क जो है, इसके अंदर हमने यूज किया है ओट एक्सट्रैक्ट. जौ मालूम है आप सबको, जौ के एक्सट्रैक्ट को यूज किया है, क्योंकि जौ अपने आप में डेड स्किन को निकालने का काम करता है. शीट मास्क कैसे लगाना है, ये आप डेमो देख रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि आप शीट मास्क का पैकेट देखोगे तो उसके अंदर फोल्डेड शीट्स होती है. एक पैकेट में एक ही शीट होती है, उसको आपको निकालना है शांति से, और बहुत शांति से उसको अनफोल्ड करोगे. पूरा फोल्डेड है वो, बहुत शांति से उसको अनफोल्ड करोगे. जब अनफोल्ड कर लोगे तो आप देखोगे उस शीट के अंदर आई नोज लिप्स का शेप रखा हुआ है, आपको उसको इस हिसाब से एडजस्ट करके लगाना है चेहरे पे. जैसे आप देख रहे होंगे figure number 3 के इसको लगाया गया, और उसको 15 मिनट तक के आपको रहने देना है. ओके, आप 2 ऑप्शन कर सकते हो, 15 मिनट तक के रहने दो, उस बीच में जो वो शीट का पैकेट है ना उसके अंदर सीरम होगा बहुत सारा, निकालो और उसे शीट के ऊपर ही मसाज करना शुरू कर दो. ठीक है, ये कर सकते हो फर्स्ट. सेकंड, आराम से बैठो, कुछ मत करो, 15 मिनट के बाद शीट निकाल दो एंड हल्के हाथों से मसाज कर लो, एंड उसके बाद कॉटन से पोंछ उसको एज इट इज. नेक्स्ट डे वापिस रात को सोने से पहले उसके मसाज कर लेना, तो यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्लो फॉर 2 to 3 डेज कंटिन्यू. और ये अगर आप करते रहोगे ना, तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स के स्किन के ऊपर आपको मिलेंगे. क्लियर है शीट मास्क का? इसमें ना इसका डीपी दिया नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, द डीपी इज 260 रुपीज एंड पीवी इज 8. ओके, आई एम सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे, दैट्स व्हाई स्क्रीन मेरा बंद हो गया था. आई होप आपको दिखाई दे रहा है सबको मेरा स्क्रीन. स्क्रीन अभी नहीं दिख, अभी दिख रहा है. दिख रहा है ना? ओके सर, फाइन. सो 260 का शीट मास्क है एंड पीवीआर 8. अब आप सोचिए, अगर मैं महीने के चार, मैंने कहा आप सबको कि हफ्ते का एक शीट मास्क इस्तेमाल करना है. मेरी आवाज आ रही है आप सब तक के? जी आ रही है. ओके फाइन. सो जब मैं बोल रही हूँ कि महीने हफ्ते का एक, तो महीने के 4 शीट मास्क, महीने के अगर 4 शीट मास्क लेते तो 260 को
एक ही मिनट। ओके सर आई एम हियर। यस मैं आप देख लिया मैंने आप अभी भी कोस्ट में पर म्यूट थे तो मैंने अनम्यूट किया आपको। हाँ ओके फाइन। सो हम कैलकुलेशन कर रहे थे 260 रुपीस मल्टीप्लाई बाय 4 करिए जरा कौन मुझे फटाफट कैलकुलेशन करके बता सकता है मेरा मैथ्स सो 1040 हाँ जी 1040 ओके एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32 मतलब 1040 में आपको 32 पीवी वन को मिल जाता है। और अगर मेरा टारगेट है कि मुझे 100 पीवी करना है तो 1000 में तो ऑलरेडी मेरे 32 पीवी तो हो ही गए जी। दूसरा 2200 का प्रोडक्ट डाल दोगे आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम जिसमें 73 पीवी है हो गए 103 पीवी मिल जाते हैं आपको कितने रुपए में ऑलमोस्ट 1003 रुपीज आई थिंक सो 3000 रुपीज में 3200 में आपका आराम से 103 पीवी हो जाता है जी। सो इट्स वेरी इजी। जो मैंने आपको बताया था कि अभी भी हमारे पास 1 वीक का टाइम है टुडे इज 24 से लेके अगर हम 31st तक की बात करें तो हमारे पास 1 हफ्ते का टाइम है और 1 हफ्ते में अगर हम ठान लेना कि हम कुछ नहीं कर कि आप अपने डिसीजन ले लो या 1 हफ्ते में एवरेज एक मतलब 6 दिन हाँ 6 से 7 दिन के 2-2 या 3-3 शीट मास्क निकाल दूंगी या निकाल दूंगा तो आप इमेजिन करो आपका एक्स्ट्रा पीवी कितना निकलेगा। ये एक्स्ट्रा पीवी होगा क्योंकि आप तो ऐसे बिजनेस 19 के बाद करते नहीं हो पीवी डालने का काम तो आप लोग करते नहीं हो 19 के बाद। लेकिन अगर इस बार हम ये ट्राई करें कि 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक वी विल डिसाइड और हम अपना ऑर्डर डालना शुरू और इस बार ना नेटवर्क आज ज्यादा आवाज आ रही है आप सबके आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी सी अटक रही है। हाँ सर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है। काम करिए वीडियो ऑफ कर दीजिए तो शायद आवाज भी क्लियर हो जाए। हाँ सर मैं सही कर लेती हूँ शीट आपको ये दिख रही है क्लियरली पीपीटी अभी नहीं आ रही है एक मिनट मैं फिर से शेयर कर लेती हूँ जी। दीजिएगा प्लीज। नहीं नहीं कोई नहीं आप करिए हम लोग वेट कर रहे हैं। यस अभी आ गई आपकी अभी इसको आप फुल स्क्रीन सर अभी पीपीटी दिख रहा है ना दिख रहा है
ओके फाइन, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद ही रखती हूँ ताकि हम पीपीटी पहले देख ले बराबर। जी ओके, देन ये तो हो गया शीट मास्क का। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों से, तो स्विच, वी विल स्विच टू स्किन फॉर्मूला 9 का ही हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज प्रो प्रेप एंड प्राइम प्राइमर। और अगर मैं प्राइमर की बात करूं तो ये ऐसा प्रोडक्ट है ना कि अब तक क्या ऐसा प्राइमर बिल्कुल भी नहीं आया है। हर किसी को भी अगर आप इसका डेमो मांगोगे तो वो यही कहेगा कि ये प्राइमर हमने पहले कभी नहीं देखा है। बिकॉज मोस्टली आप मुझे बताइए, मैं चैट बॉक्स खुला रख रही हूँ, मुझे आप बताइए आपके हिसाब से एग्जैक्टली प्राइमर का काम क्या है। जितने भी लोगों को प्राइमर मालूम है प्लीज चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि एग्जैक्टली प्राइमर का यूज क्या है, हम क्यों प्राइमर को इस्तेमाल करते हैं। Anyone can answer? Base, okay. Ishita is writing me के base बनाने के लिए, okay. You mean to say Ishita के makeup से पहले, मतलब foundation से पहले हम इसको use कर सकते हैं for the I'll say कि ताकि मेकअप फिक्स रहे प्रॉपरली। ओके फाइन, यस देन मेकअप सेट करने के लिए वैशाली कह रही है। ओके राइट वैशाली, प्राइमर से मेकअप लॉन्ग रहता है। हाँ बिल्कुल सही अनामिका, कि लॉन्ग टाइम तक के रहता है, मतलब लाइक अगर आप प्राइमर के बिना मेकअप करते हो तो इट विल बी लाइक 4 to 5 hours, और प्राइमर के साथ मेकअप करते हो तो इट विल बी फॉर ऑलमोस्ट फॉर 8 to 10 hours। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच लेडीज, बहुत अच्छे आंसर्स मिल गए मेरे को। लेकिन आपको मैं बताऊं, फर्स्ट टाइम इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, मैं कॉस्मेटिक पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, बहुत कम ब्रांड्स ऐसे हैं जो प्राइमर बनाते हैं। शायद ये आपको नहीं पता होगा, जरा गूगल को पूछ लीजिएगा कितनी ब्रांड्स बनाती है। जैसे कि जो लोकल ब्रांड है हमारा, लोकल नहीं कहूंगी बट एक ऐसा ब्रांड है जो हर किसी के पास पहुंच जाता है, रिटेल में भी मिलता है, उसके पास भी मेकअप है बट प्राइमर नहीं है। दे आर यूजिंग प्राइमर ऑफ अनादर ब्रांड, ठीक है। इवन बहुत कम, अप्रोक्सीमेटली 5-6 ब्रांड्स है जो प्राइमर बनाते हैं, एंड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सिर्फ 2 ही ब्रांड है जो प्राइमर बनाते हैं, सारे लोग प्राइमर नहीं बनाते। और उन सबके जो प्राइमर बनते हैं वो दैट इज अ क्रीमी फॉर्मेशन, एंड मतलब आपको ये महसूस होता है कि आपने फेस पे एक मॉइस्चराइजर लगा दिया या आपने कोई फेस पे क्रीम लगाया है, बट This is the totally different type of primer, I'll say. Why? Because हमने primer के साथ साथ इसका formula इस तरह से रखा कि आपकी skin को moisture भी दे, आपकी skin को smooth भी कर दे, आपकी skin को brighter look भी दे दे, softness भी दे दे, साथ साथ में top of that कि आपकी skin को बहुत अच्छा treatment मिल जाए। तो जब मैं इतना सारा बोल रही हूँ, इट मीन्स दैट के प्राइमर मेज भी लगा सकते हैं, वेरी सिंपल, इसे मेज भी यूज कर सकते हैं। एंड आई टेल यू, मैं जिसको भी मैंने प्राइमर का डेमो दिया है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन ट्रेनिंग शुरू कर दी है, तो मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग में प्राइमर का डेमो दे देती हूँ, किसी 1-2 जन के ऊपर लगा लेती हूँ, जस्ट थोड़ा सा हाथ पे लगा के दिखा देती हूँ, एंड उनके बाद उसकी क्वेरी यही आती, मैडम हम लगा सकते हैं क्या? और मैं मेज पे ही ट्राई करती हूँ उसको, क्योंकि मुझे मालूम है फीमेल्स को मालूम है प्राइमर क्या है, मेल्स लोग लगाते नहीं ना, तो उनके लिए स्पेशली है। एंड यू नो इतना अच्छा प्राइमर क्यों है ये, बिकॉज इसके अंदर सनफ्लावर सीड ऑयल, कोकोनट ऑयल, लिंसिड ऑयल, एवोकाडो ऑयल, आर्गन ऑयल, मैकेडेमिया सीड ऑयल, ऑलिव ऑयल, रोजमेरी ऑयल एक्सट्रैक्ट, इतने सारे ऑयल्स, इसेंशियल ऑयल्स के इंग्रीडियंट्स इसके अंदर डले हुए हैं, जो आपके स्किन को स्मूथ कर देता है। और ऐसे सीधी सादी भाषा में कहूं, आपकी स्किन को कैनवस बना देता है। कैनवस पेपर मालूम है जो पेंटर्स यूज करते हैं, जिसपे वो पेंटिंग करते हैं, वो कैनवस पेपर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जैसे कलर डाले ना उसके ऊपर, कलर अपने आप घूम जाना चाहिए। यस, सो ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये आपकी स्किन को कैनवस बनाता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। लेकिन लोगों का क्वेश्चन फिर आएगा, कुछ मेरे जैसे होंगे लोग जिनका स्किन बहुत ऑयली होगा,
तो उनको फिर से एक क्वेश्चन, इतने सारे ऑयल डाले हैं मैडम, अगर इसको लगाया तो स्किन ऑयली हो जाएगा? ये ऑयली स्किन वालों का पहला प्रश्न होता है। ऑयल देख के वो डर जाते हैं, ऑयल नाम सुनकर डर जाते हैं, क्योंकि हम तो खुद ऑयल का डब्बा बन के घूमते हैं ना इसीलिए। बट आई टेल यू वन थिंग, इसकी इतनी अच्छी चीज है कि ये ना आपके एक्सेस ऑयल को अब्सॉर्ब कर देता है आपकी स्किन से, आपकी स्किन में बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं रहेगा, ग्रीजीनेस नहीं रहेगा, एंड आपकी स्किन मॉइस्ट भी दिखेगी एंड ग्लो भी करेगा। मेनी टाइम्स ऐसा होता है मेरे साथ, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंट ट्रैवल कर रही हूँ एंड समटाइम्स ऐसा टायर्ड हो जाती हूँ कि नहीं करना मुझे आज मेकअप, तो व्हाट आई डू माई स्किन केयर, देन आई अप्लाई प्राइमर एंड देन आई डू होल मेकअप। लाइक प्राइमर के बाद काजल, लिपस्टिक, आईलाइनर लगा दिया, कॉम्पैक्ट पाउडर लगा दिया, हो गए हम रेडी। फाउंडेशन नहीं लगाओगे ना तो भी चल जाएगा, इतना बेस्ट रिजल्ट है प्राइमर का। एंड अश्विनी सर के साथ साथ जितने भी मेल्स मुझे सुन रहे ना, उनको मैं एक चीज कहना चाहूंगी, प्लीज स्टार्ट यूजिंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ, यू विल सी द डिफरेंस ऑन योर फेस, इतना ऑसम प्रोडक्ट है ये। एंड दैट दिस इज द रीजन कि इसको हमने मिस्टर लव मिलान में न लाते हुए हमने स्किन केयर में लाया इसको, क्योंकि आपकी स्किन केयर भी कर जाता है। अब जैसे सनफ्लावर ऑयल है, तो सनफ्लावर ऑयल विटामिन ए विटामिन ई का काम करेगा, स्किन को ग्रीजी नहीं बनाएगा लेकिन हाइड्रेट रखेगा, धूप के डैमेजेस से स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। कोकोनट ऑयल हमेशा याद रखेगा, नारियल का तेल आपकी स्किन पे हमेशा प्रोटेक्शन की लेयर क्रिएट करता है एंड मॉइस्चर को बना के रखता है। ये लिंसिड क्या है? लिंसिड कुछ नया नाम लग रहा है ना, बट आपका जाना पहचाना प्रोडक्ट है लिंसिड। लिंसिड ऑयल एक्चुअली फ्लैक्स ऑयल को बोला गया है। जो आप फ्लैक्स ऑयल खाते हो या जो आप फ्लैक्स ऑयल की टैबलेट्स लेते हो, ये वही है। बहुत सारे पार्लर्स में ब्यूटिशियंस, उनका जो भी फेशियल क्रीम होगा उसके अंदर फ्लैक्स ऑयल का टैबलेट या उसको पंचर करके उसका ऑयल निकाल के फेस पे लगवाते हैं, मसाज होती है ताकि स्किन पे ग्लो दे। सो हमारे पास ऑलरेडी हमने इसके अंदर लिंसिड ऑयल डाला है और एवोकाडो ऑयल डाला है, जो आपके रिंकल्स पे, फाइन लाइंस पे, एजिंग लाइंस पे काम करेगा, स्किन को हाइड्रेट रखेगा। एंड आर्गन ऑयल, आर्गन ऑयल एक्चुअली ग्लो देने का काम करता है, नेचुरल ग्लो देने का काम करता है, ये बिल्कुल चिपचिपा नहीं है। ऑर्गेनिक फ्रूट के सीड का नाम है और इसमें से जो ऑयल निकलता है वो प्योर गोल्डन ऑयल होता है और जो आपकी स्किन पे इंस्टेंट ग्लो दे देता है। ओके, सो ये था हमारा प्राइमर। अगर मैं प्राइमर की बात करूं तो प्राइमर की जो MRDP है, दैट इज 855 रुपीज, आई थिंक 675 रुपीज, आई एम रियली वेरी सॉरी। प्राइमर का जो कॉस्ट है दैट इज 675 समथिंग, एंड इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 20 PV मिल जाता है। सो हो गया, देखो ये, और ये आप 18+ को दे सकते हो। अब आप सोचिए 18+ के लिए कितना अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है। एक और प्रोडक्ट, अब तक हमने 4 प्रोडक्ट देखे, एक और प्रोडक्ट गोल्ड पिल ऑफ मास्क, अगेन वंडरफुल प्रोडक्ट। लेकिन प्लीज ये मिसअंडरस्टैंडिंग में मत चले जाना कि गोल्ड है, गोल्ड नाम दिया तो गोल्ड से बना है क्या? नहीं, इसका नाम गोल्ड इसलिए दिया है बिकॉज इसके अंदर आर्गन ऑयल है और आर्गन ऑयल पूरा गोल्डन कलर का होता है और उसमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया मास्क क्या काम करता है ना, मास्क आपकी स्किन को डर्ट से क्लीन करता है, डेड स्किन को निकालता है। और ये जो गोल्ड पिल ऑफ मास्क है, ये आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा, आपके टेक्सचर को क्लीन करेगा, आपको एक यंग लुक देगा, बिकॉज ये पील करना है। जो हमारा इससे पहले जो मास्क थे वो क्या थे, लगा के रखना है एंड 15 मिनट्स के बाद निकालना है। ये आपको क्या करना है, लगाना है और 15 मिनट के बाद खींच के निकालना है, पील करना है, इसको पीलिंग करना है, ठीक है। अब इसके अंदर आर्गन ऑयल, आर्गन ऑयल आपकी स्किन के सीबम्स पे कम करेगा, आपकी स्किन को स्मूथ सॉफ्ट बनाएगा, क्लीन कर देगा एंड एक आई विल से कि एक गोल्डन शाइन दे देगा आपके चेहरे पे। इवन एल्स कैन यूज दिस प्रोडक्ट। मैं अभी 2 दिन पहले आई वॉज इन भिवंडी मुंबई में, सो वहां मेरा ट्रेनिंग हो रहा था एंड आई डिड द डेमो। तो मेरे पास शीट मास्क खुला था, तो मैंने जो शीट मास्क है विटामिन सी वाला शीट मास्क था, वो मैंने एक लड़की के ऊपर लगाया। एंड क्योंकि लड़के लोग वैसे कुछ नहीं लगाते चेहरे पे, तो गोल्ड पिल ऑफ मास्क हमने एक जेंट्स पे लगाया और दोनों को बिठा के रखा 15 मिनट्स एंड देन दोनों का शीट्स रिमूव किया।
गोल्ड पिल ऑफ मास को पील करके निकाला, द इंस्टेंट चेंज वॉज कि उस जो सर बैठे थे जिनके चेहरे पे हमने गोल्डन पिल ऑफ मास्क लगाया था, वो सर का चेहरा एकदम से शाइन करना शुरू कर दिया विद इन 15 मिनट्स. सो ये इतना बेस्ट प्रोडक्ट है, आपको इसको ट्राई कीजिएगा कि आप ऐसे टाइम पे लगाओ जब आप टोटली फ्री हो, आपको लगाने के बाद बातें नहीं करनी है, ठीक है. आई एरिया को अवॉइड करो, लगा के 15 मिनट तक रखो एंड 15 मिनट के बाद इसको पील कर दो. थोड़ा सा मोटा लगाओगे, थिक लगाओगे, ठीक है, बहुत पतला नहीं लगाना, क्योंकि पतला लगाओगे तो निकलेगा नहीं तो स्किन पूरा खींच जाएगा आपका. तो थोड़ी सी मोटी लेयर लगा के रखना इसकी, एंड देन सूखने के बाद बहुत आराम से ये पील हो जाएगा, एंड देन आप वॉश कर लीजिएगा चेहरे को. ओके, ये इसका डीपी है 855 एंड इसमें आपको पीवी मिलता है 28.50. वन मोर थिंग, मे बी आपके दिमाग में शायद क्वेश्चन आया होगा कि ये एक बार का जो क्या कहते हैं, तो एक बार अगर हम ये प्रोडक्ट ले रहे हैं तो एक बार में एक ट्यूब में से कितने फेस पे हम लगा सकते हैं, राइट? एवरेज आप 10 फेस पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो. अब जब हम बात करते हैं ना कि इसका रिजल्ट अगर आपको दिखाना है, आई एम श्योर आप लोग क्या करते हो, आप जब होम मीटिंग करते हो तो होम मीटिंग में मैं जो लेडीज को देखती हूँ कि कोई ना कोई प्रोडक्ट के जब हम डेमो दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं हम डेमो देते वक्त, हम प्रोडक्ट लेते हैं थोड़ा सा और हाथ पे लगाते हैं, ऐसे ही करते हो ना, आई एम श्योर प्रोडक्ट लेते हो और हाथ पे लगा के फिर बोलते हो अच्छा रखो 15 मिनट और फिर निकालते. अब मुझे बताओ ये और ये स्किन दोनों एक तो है नहीं, है ना, यहाँ डेमो दोगे कि तो एग्जैक्टली क्या पता चलेगा कि प्रोडक्ट कैसा है और कैसा नहीं, नहीं पता चलेगा. सो बेटर अगर आपको रिजल्ट देना है और उसे बताना है कि आपका प्रोडक्ट द बेस्ट है, सो फॉर दैट द राइट ऑप्शन इज कि आप ना उसे यहां मत लगवाओ, आप गोल्ड पिल ऑफ मास्क उसके आधे फेस पे लगाओ, आधे पे ही लगाना. आई नो या तो आप हाथ पे लगाते हो तो या तो आप पूरे फेस पे लगाते हो और फिर उसका फोटो खींचते हो ना बिफोर का आफ्टर का. इससे अच्छा एक नई टेक्निक बताती हूँ मैं, आप वो मत करो, आप क्या करो आधे फेस पे पील ऑफ मास्क लगाओ एंड आधे को विदाउट पील ऑफ मास्क रहने दो और आफ्टर 15 मिनट्स पील निकाल लो, आपको तुरंत आधे फेस पे दोनों का डिफरेंस नजर आएगा. एक फेस पे जो डिफरेंस दिखाएगा ग्लो करेगा बिकॉज ऑफ पिल ऑफ मास्क, दूसरे पे ग्लो नहीं होगा. द रीजन इज दैट कि वहां पे हमने कुछ लगाया ही नहीं. तो आप वही तुरंत फेस फोटो खींच के पूरा फेस दिखा सकते हो, देखो इंस्टेंट तो क्या डिफरेंस दिख रहा है. और जब आधे फेस पे ग्लो आया है तो जिसके फेस पे लगाया है ना वो आधे फेस को कंप्लीट करने के लिए आपके पास खरीदेगा ही प्रोडक्ट, तो हो गया आपका वहीं पे बिजनेस, सीधी बात है. पूरे फेस पे करने के बाद हम देते ही नहीं है, वो आता ही नहीं है हमारे पास, तो आधे पे काम करो, क्या बोलते हो, है ना. थैंक यू सो मच अन्यामिका. सो आप इस तरह से भी इसको प्रमोट कर सकते हो, आप इस तरह से भी डेमो कर सकते हो. और जब आप आधे आधे फेस पे लगाओगे तो 10 की जगह 20 फेस पे चलेगा ये प्रोडक्ट, और 20 फेस पे चलेगा और उसमें से भी अगर आपको ऑर्डर मिल जाते हैं, ठीक है, 20 में से भी अगर 5 ने आपको ऑर्डर दे दिए तो आपका तो पूरा वसूल हो गया, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं. द नेक्स्ट वन इज रेडियंट ग्लो मिस्ट. यस, दिस इज माय फेवरेट प्रोडक्ट एंड मैं आप सबको भी बोलूंगी कि इसको अपने साथ रखो, हमेशा अपने बैग्स में रखो, बिकॉज द बेस्ट प्रोडक्ट है, द बेस्ट रेडियंट ग्लो मिस्ट. ये बहुत सारा काम करता है, लाइक आप इसको मेकअप से पहले भी कर सकते हो. मेकअप करने से पहले जब आप फेस क्लीन कर देते हो आप हल्का सा इसको स्प्रे कर लो, क्योंकि ये ना आपकी स्किन पे हाइड्रेशन मेंटेन कर जाएगा. इसके बाद आप पूरा मेकअप कर लो, पूरा मेकअप होने के बाद एक सर्टन डिस्टेंस से इसे अपने चेहरे पे स्प्रे कर दो. क्यों? क्योंकि ये ना कहीं आपके चेहरे के पे मेकअप को फिक्स करने का काम भी कर जाए. ओके, ये टोनर का भी काम करेगा, आपकी स्किन को रिफ्रेश करने का भी काम करेगा, इंस्टेंट ग्लो देने का काम करेगा, आपके डेड स्किन को एक्टिव कर जाएगा, ओल्ड स्किन सेल्स को लिफ्टअप कर लेगा, साथ साथ में आपकी स्किन पे मॉइस्चर को मेंटेन करके चलेगा. इसके अंदर हमने यूज किया है डेमस्कस रोज. गुलाब बहुत सारे होते हैं, नॉर्मली अगर हम गुलाब की बात करें तो हमको दो ही टाइप के गुलाब मालूम है, एक इंग्लिश रोजेस एंड दूसरा
इंडियन रोजेस, देसी गुलाब, विदेशी गुलाब जो हम बोलते हैं। इसके अलावा एक और रोज होता है जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड रोज, जंगली गुलाब, जो सिर्फ और सिर्फ गुलाबी कलर का आता है, इसके अंदर और कोई कलर नहीं होता है, और इसकी खुशबू जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है, और इसके अंदर इतने सारे मिनरल्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए द बेस्ट होते हैं। हमने इसमें यूज किया बल्गेरियन रोज, जो आपकी स्किन में बेनिफिट्स देंगे, आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन करके चलेगा, साथ में ड्राई स्किन पे को भी हेल्प करेगा ये, और आपकी स्किन पे ऑयल को भी ये बैलेंस करेगा, साथ साथ में आपकी स्किन पे ग्लो देने के लिए और आपकी स्किन में जो भी डैमेजेस है उसे रिकवर करने के लिए हमने इसमें यूज किया है सी वाटर, समुद्र का पानी। अब जब आप सी वाटर की बात करते तो लोग बोलते हैं मैडम समुद्र का पानी वैसे ही बहुत ज्यादा क्या कहते हैं तो खारा होता है, तो वो कैसे स्किन के लिए अच्छा होगा। लेकिन आप सबको अगर पता हो तो सी वाटर के अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बेस्ट होता है, आपकी स्किन को वो हाइड्रेट करके चलते हैं, दैट्स व्हाई हमने इसमें यूज किया है सी वाटर। तो आप इसको लाइक दिन में एक बार, दो बार, इफ यू वॉन्ट जितने बार, लाइक आप 10 से 15 बार एक ही दिन में इसको इस्तेमाल कर सकते हो इस प्रोडक्ट को, एनी टाइम यू कैन यूज, देयर इज नो टाइम लिमिट। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज आप एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो, मेकअप वगैरह कंप्लीट करके जा रहे हो, लेकिन एग्जॉस्ट हो जाता है चेहरा, डैमेज क्या कहते हैं तो डल दिखता है, आपको लगता है फिर से आपको मेकअप करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी जगह आप सिर्फ एक स्प्रे मार दोगे ना आपके फेस पे, तो उसके आपका फेस एकदम फ्रेश हो जाएगा, एंड इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है। इवन मेकअप कंप्लीट करने के बाद एक सर्टेन डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे रख के इसका स्प्रे करो आपके फेस पे, तो मेकअप भी फिक्स हो जाएगा। ओके, ये टोटल इसका जो डीपी है दैट इज 490 एंड पीवी 16.33। आपको मालूम है जब मैं ये जो प्रोडक्ट है ना इसके बारे में जब मैं बात करती हूँ तो मुझे बहुत 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 हंसी आती है, बिकॉज हम एक और प्रोडक्ट है जिसके बारे में बात करते हैं हमेशा, एंड दैट इज राइस ब्रांड ऑयल, जिसका डीपी इसी के आसपास का है मेरे हिसाब से, अगर आपको पता हो तो, है ना, 450 का डीपी है राइस ब्रांड ऑयल का। पीवी कितना मिलता है? 7.50, राइट। यहाँ पे आपके 450 प्लस जो एक्स्ट्रा मैंने पे किया वो 40 रुपए, और एक्स्ट्रा 40 रुपए पे करने से मेरे को मिलता है सीधा 16.33 पीवी। जस्ट इमेजिन, आपका पीवी डबल हो गया, पूरा डबल से ऊपर चले जाता है। सो जब आपके नए लोग आते हैं, जब आपके नए क्या कहूंगी मैं, प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, जब आप उन्हें ज्वाइन करवाते हो, तो मेरा एक सजेशन है, जो आप उनको ज्वाइन करवाते हो ना, उनको आप ज्वाइन करवाते हो भाई चाय लो, तेल लो, साबुन ले लो, क्या कहते हैं होम क्लीनिंग का प्रोडक्ट ले लो, और उससे 100 पीवी भी कर लो, और वहां पता है क्या होता है, घाटे का सौदा होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे देकर आप उन्हें कम पीवी देते हो। अगर आपको उनका ट्रस्ट बिल्ड करना है, अगर आपको उनके पास साथ से बिजनेस करवाना है, तो आप उन्हें ये प्रोडक्ट दो। क्यों? क्योंकि ये कम पैसों में ज्यादा पीवी देता है, तो बंदे का मोटिवेशन का लेवल एक अलग जगह पे जाके बैठेगा कि यार इतने कम रुपए में मेरा 100 नहीं डबल पीवी हो गया, राइट। एक बार ये वाला भी फंडा ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर हम इस तरह से काम कर रहे हैं तो हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, सो बेटर आई थिंक, और विंटर, अभी समर शुरू हो गए। अब समर्स की अगर मैं बात करूं ना, तो वैसे स्किन पूरा ऑयली ऑयली, चिपचिपा, डार्क हो जाता है, तो आप उसके ऊपर ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। आपने साथ रखे, और ये रोज वाटर है इसके अंदर, जो आपकी स्किन को ना ऑटोमेटिकली ना कूल कर देगा, ठंडा कर देगा। ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज, यस दिस इज माय, अगेन आई से ये, इसको मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, ये रहा मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है, इसको मैं हमेशा साथ में रखती हूँ, और ये हमेशा डेली नाइट को मैं इस्तेमाल करती हूँ इसे। ये है मेरा विटामिन सी सीरम, और मैं इसको ये कहूंगी कि स्किन परफेक्टिंग विटामिन सी सीरम, ओनली विटामिन सी सीरम नहीं कहूंगी इसको मैं, इसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्किन परफेक्टिंग विटामिन सी सीरम। क्यों ऐसा है? क्यों? क्योंकि आपका स्किन एक सर्टन एज के बाद डैमेज होना शुरू हो जाता है, या हमने एक यंग एज में जब पिंपल्स आ रहे थे तब हमने पिंपल्स को फोड़ा, उसके कारण गड्ढे हो गए, स्किन अनइवन हो गया, दाग धब्बे पैचेस सब कुछ आ गया हमारे चेहरे पे,
है ना, तो अगर आपको उसको क्लीन करना है तो ये प्रोडक्ट आपको बहुत 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 हेल्प करेगा। विटामिन सी एक्चुअली आपके स्किन के पैचेस पे, पिगमेंट्स पे, डैमेजेस पे काम करता है, आपकी स्किन को ब्राइटर लुक देता है। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, टैंड है, तो इस पे ये काम करेगा। सेकेंड, ये आपकी स्किन को रिजनरेशन देता है, मतलब लाइक आपकी स्किन को रिजनरेट करता है, वापस आपके स्किन को, स्किन के सेल्स को एक्टिव कर देता है। ये सीरम फॉर्म I'll show you. I think you, आज आपको मैं पूरा सीरम में, पतला पानी के जैसा सीरम है ये, अगर आप देख रहे होंगे तो पूरा पानी है, वाटर है ये, ठीक है। ये इतना पतला है और ये जितना पतला होता है ना सीरम, उतना ही अच्छे से आपके स्किन में पेनिट्रेट होता है, उतना ही आपके स्किन के अंदर तक जाके वो स्किन के सेल्स को रिजनरेट करता है, रिप्लेनिश करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चर भी रखेगा, एक्सेस ऑयल को रिमूव कर देगा आपकी स्किन से। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, नंबर वन इज काकाडू प्लम। काकाडू प्लम इज एन ऑस्ट्रेलियन फ्रूट। इसका इस्तेमाल किया गया है क्योंकि काकाडू प्लम में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, जो आपके रिंकल्स को रिड्यूस करता है, आपके कोलाजन्स को बूस्ट करता है, एंड इसके अंदर एक अच्छी प्रॉपर्टी है एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो आप, जो सेंसिटिव स्किन को भी सूट कर जाएगी। ओके, अनादर वन इज पपाया। अगेन पपाया फ्रूट जूस, आप देख रहे होंगे हमने स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा जो यूज किया दैट इज पपाया, एंड व्हाई? सो नंबर वन, पपाया इज वेरी वेरी रिच विथ विटामिन ए, देन विटामिन ई। विटामिन ई इज ऑलवेज यूजफुल टू गिव द ग्लो ऑन द फेस। विटामिन ए आपके रिंकल्स को कम करता है। दूसरा, आपने कभी भी, आप जब पपाया काटोगे आज के बाद, आई डोंट नो आपने पहले कभी मार्क किया है या नहीं, अगर किया है तो मुझे आप जरा सा लिख के दे दीजिएगा, आई मीन टू से के मुझे बता दीजिएगा इसमें, अगर चैट बॉक्स में, कि अगर आपने पपाया को कभी यूज किया हो तो, काटा हो तो, कि आप जो पपाया काटते हो ना, तो आप देखोगे सारे सीड्स निकालने के बाद उसमें ना एक वाइट ट्रांसपेरेंट जेली के जैसा प्रोडक्ट मिलता है, जेली जैसा दिखता है, बहुत कम निकलता है, बहुत ज्यादा नहीं निकलता, बहुत कम जेली जैसा निकलता है, और एकदम हाथ से वो फिसल जाता है, हाथ में आता भी नहीं है शायद वो, है ना। उस जेली को क्या बोलते हैं, कभी सोचा है? नहीं ना, हम तो, हमको इतना मालूम है कि उसको नहीं खाया जाता, या कोई खाते भी होंगे, या पता नहीं गलती से खा लिया, नहीं खा लिया, निकाल दिया। एक्चुअली उसे कहा जाता है पेपिन, उसे बोलते द प्रोटीन डिजोल्विंग पेपिन। ये जो पेपिन है ना, ये पेपिन आपके चेहरे पे स्क्रब करने का काम करता है। इसीलिए सालों से, मतलब आज से, मम्मी के जमाने से लोग पपैया का ही इस्तेमाल करते थे फॉर फेशियल, बिकॉज पपैया में अपने आप में स्क्रबिंग की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है ना। सो दैट्स व्हाई इसके अंदर जो पेपिन है, और वो क्वांटिटी बहुत कम होता है, लाइक अगर आपने 1 kg का पपैया लिया है तो हार्डली 10 g का पेपिन निकलेगा उसके अंदर, ज्यादा नहीं निकलेगा, ओनली 10 g का। दैट्स व्हाई हमने इसमें क्या यूज किया, पपैया का फ्रूट जूस, उस जूस को ऐड किया, क्योंकि वो उसमें जूस के अंदर पेपिन आ गया, जिसके कारण वो आपकी स्किन को अगेन आई से क्या करेगा, स्क्रब करेगा, और डेली स्क्रबिंग होगी, बहुत जेंटली स्क्रबिंग होगी, तो आपकी स्किन को डे बाय डे ग्लो देने का काम हो जाएगा। और आपको विटामिन सी सीरम रात को ही लगाना है, दिन में नहीं लगाना है, प्लीज दिन में बिल्कुल मत लगाइएगा। कारण यह है क्योंकि विटामिन सी में प्योर लेमन जूस का ऐड किया गया है, जो आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट्स देगा, आपकी स्किन के डैमेजेस को रिड्यूस करेगा, एंड प्री मैच्योर एजिंग को कम कर देगा, ठीक है। अब अगर आप प्योर विटामिन सी का इस्तेमाल करोगे, इसका डीपी इज 1025 एंड पीवी 34, ठीक है। सो अब मैं इसको शेयर बंद करती हूँ ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। ओके फाइन, सो ये दिन में इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि दिन में ना, आई एम डैम श्योर, हम प्रॉपर स्किन केयर नहीं करते। हम दिन में स्किन केयर करते हैं, हम लाइक मैम ने बोला था तो मैंने यूथ इलिक्सर लगा दिया, या मैंने ब्राइटनिंग लगा दिया, उसके बाद हम फेस पे इसका इस्तेमाल नहीं करते, है ना। क्या कहते हैं, फाउंडेशन का, या कॉम्पैक्ट पाउडर का, या SPF का। सो मेरा सजेशन है कि इसको आप रात को लगाओ। विटामिन सी सीरम मैडम आप 18+ को नहीं दे सकते हो,
विटामिन सी सीरम प्लीज 21-22 के बाद के लोगों को दो। अब आप जब इसको रात को इस्तेमाल करते हो इस प्रोडक्ट को, तो यूवी रेस तो आने से रही, ठीक है, सो वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन में पेनिट्रेट होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। दिन में लगाओगे तो दिन में यूवी रेज आपकी स्किन पे आएगा, तो आपकी स्किन को धीरे 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 वो डार्क कर जाएगा, ओके। या तो फिर आपको अच्छा खासा फाउंडेशन लगाना आता है या लगा सकते हो रोज, तो दिन में लगाने की प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरी पर्सनल अगर सजेशन लो तो मैं हमेशा लोगों को यही कहती हूँ कि रात में लगाओ विटामिन सी इंस्टेड ऑफ डे टाइम, ओके। अब आप बोलोगे मैडम रात को लगाएंगे विटामिन सी तो दिन में क्या काम करेगा, दिन में किसको लगाना चाहिए? तो इसका छोटा भाई है ना हमारे पास, बड़ा भाई विटामिन सी सीरम है, तो छोटा भाई कौन है कोई बता सकता है मुझे? अगर जो रेगुलर मेरा ट्रेनिंग अटेंड करता होगा तो उसको मालूम होगा छोटा भाई कौन है इसका। नो सीजल तो अभी आया, बिल्कुल नहीं, ब्राइटनिंग बिल्कुल नहीं, ब्राइटनिंग तो इसके खानदान में भी नहीं आता है। नो इना आंसर गलत है, इसका छोटा भाई है यूथ इलिक्सर, ओके। क्योंकि यूथ इलिक्सर में भी विटामिन सी है बट बहुत कॉन्सेंट्रेट है, सॉरी डाइल्यूटेड है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं है, ठीक है, मिक्सर है वो, जिसमें सारी चीजें की मिक्सिंग है, लाइक उसमें गोल्ड डस्ट भी है, उसके अंदर हल्का सा विटामिन सी भी है, उसके अंदर पपाया भी है, तो वो दिन में लगा सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो ये वाला विटामिन सी है पूरा कॉन्सेंट्रेट विटामिन सी है, तो इसको धूप के कॉन्टेक्ट में हम नहीं आ सकते, दे सकते। इसलिए तो आप देखोगे बॉटल का पैकेजिंग भी कैसा है, डार्क बॉटल कितना डार्क कलर में है, ताकि ये डायरेक्ट जो सनलाइट है उसके इंटरेक्शन में ना आए और अंदर जो प्रोडक्ट है वो बिगड़े ना, इसलिए आप बॉटल का पैकेजिंग भी देखोगे। और बेस्ट पार्ट इज दैट अगर विटामिन सी प्योर है, दैट्स व्हाई इसकी जो बॉटल है वो कांच की है, ग्लास बॉटल है, प्लास्टिक या नॉर्मल बॉटल नहीं है, इट्स अ ग्लास बॉटल, जिसके कारण ये प्रोडक्ट बिगड़ता नहीं है। एंड यू नो ये प्रोडक्ट मुझे क्यों बहुत पसंद है, क्योंकि अगर आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं, पहले से जानते हैं, कुछ नए लोग हैं जिन्होंने अभी भी देखा होगा, तो जो पुराने लोग हैं जो मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है ये जो स्किन इतना क्लीन दिख रहा है ना, वो कभी था ही नहीं क्लीन। बहुत ज्यादा मेरे स्किन पे एक्नेस थे, ओपन पोर्स थे, पिंपल्स फोड़ के जगह इतने गड्ढे थे चेहरे के ऊपर, मतलब यू कांट सी द राइट फेस कहाँ है और गाल प्लेन कहाँ है। बट आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट कंटिन्यू, मैंने 6 मंथ इसको यूज किया, अभी भी इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट पड़ा हुआ, अभी तो आधा ही बॉटल खत्म हुआ है 6 महीने में। रोज का 1 या 2 बूंद से ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें अभी भी है इतना प्रोडक्ट, अभी भी पड़ा हुआ है, इतना ही यूज हुआ है, ठीक है। और इसका बेस्ट पार्ट है ये लगाने से ये पूरा स्किन के डार्क स्पॉट सारे क्लीन हो गए, फेस एकदम क्लीन हो गया। अदरवाइज मेरा जो लोअर लिप है ये पोर्शन पे बहुत ज्यादा ब्लैक स्पॉट्स रहते थे, पिंपल्स वाले दाग हमेशा रहते थे, अब मेरे को एक भी दाग नहीं दिखता है। अगर आप मुझे विदाउट मेकअप भी देखोगे तो एक भी दाग नहीं दिखता है। मुझे पहले बहुत ज्यादा कंसीलर को यूज करना पड़ता था ताकि दाग को मैं कवर अप करूं, अब जरूरत नहीं पड़ती। सो ये अगेन द बेस्ट प्रोडक्ट है। अब ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सो अगर आप 1 वीक का टाइम है आपके पास, आप इसको अगर डेमो के हिसाब से करना शुरू करोगे, एंड स्पेशली गोल्ड पिल ऑफ मास्क, विटामिन सी सीरम का स्लाइट 1 बूंद का डेमो करवा सकते हो तो कर लो, नहीं तो आप उसे बता सकते हो इसका फ्रेग्रेंस ही कितना प्योर है ये। एंड अगर आप टारगेट लेके चलो कि इस महीने जितने भी लोग, यू ऑल आर 45 लेडीज ओवर हियर, टोटल पार्टिसिपेंट जितने दिख रहे हैं मुझे, दैट आर 45, ठीक है। अगर हम 45 के लोग सारे एक डिसीजन ले कि हम पूरे ये एक हफ्ते में हम हर दिन का 2-2 शीट निकालेंगे, तो सोचो आपका बिजनेस कहाँ जाएगा। और एक गोल्ड पिल ऑफ मास्क निकालेंगे और एक विटामिन सी सीरम, बाकी कुछ जाए ना जाए चलेगा हम, तो सोचो बाकी जो बिजनेस आया वो आपका, दैट इज चेरी आइसक्रीम आपको बनानी है, चेरी तो ऐसे ही आ जाएगी, है ना। सो लेट्स टेक लाइक आई से कि एक प्लेज ले लेते हैं, एक डिसीजन ले लेते कि ये एक हफ्ता हम इस तरह से करेंगे काम। एंड वन गुड न्यूज टू ऑल ऑफ यू, अप्रैल में आई एम कमिंग टू सूरत, आई एम गोइंग फॉर एन ऑफलाइन ट्रेनिंग दैट विल बी ओपन फॉर ऑल,
एंड मोस्टली डेट अभी रेडी नहीं हुआ है मेरे पास, लेकिन आई नो आप सबके बच्चों के एग्जाम्स 15 अप्रैल तक चलने वाली है, सो मैं 15 अप्रैल के बाद ही 15 अप्रैल के बाद ही आई एम गोइंग टू टेक एन सेशन. मोस्टली 19 या 20 जो दो डेट्स मेरे पास बची रही है, तो मैं 19 तारीख या 20 तारीख में आपको एडवांस में बता रही हूँ अभी से, जो भी आपकी अरेंजमेंट्स, बिकॉज ये फुल वन डे ट्रेनिंग रहेगा, जिसके अंदर आप अश्योर नेचुरल्स का ट्रेनिंग, स्किन फॉर्मूला 9 का ट्रेनिंग, मिस्टर ऑफ मिलान का डेमो, मिस्टर ऑफ मिलान का ट्रेनिंग, विलिनो ड्यू गार्डन, ये सारा एक दिन में आपको ट्रेनिंग मिल सकता है. फाइन, तो अगेन दिस इज द बेनिफिट, हम हर हफ्ते तो मिलते ही रहेंगे इस तरह से, लेकिन अगर आपके कोई नए लोग हैं जिनको ज्वाइन करवाया आपने और जिनको प्रोडक्ट के बारे में बताना है और जिनको आपको लगता है कि उनका फोकस स्किन केयर पे जाना चाहिए, तो ये जो सेशन मैं करने वाली हूँ 19 या 20 तारीख को, आप उस पे फोकस करिए, उस पे लोगों को लाने की बात करिए. एंड दैट विल बी अ पेड सेशन, हम पूरा दिन का सेशन करेंगे, विथ लंच वी विल गो विद द सेशन, ताकि आपको एक दिन में बहुत सारी चीजों की क्लियरिटी हो जाए. मे भी ऐसे भी हो गया आपकी टीम में जो लोगों को अश्योर भी नहीं पता है, तो हम उस दिन अश्योर का भी ट्रेनिंग दे देंगे, अश्योर नेचुरल्स भी दे देंगे. फाइन, सो प्लीज 19 और 20 तारीख अपना खाली रखेंगे, क्योंकि कोई एक दिन मेरा डिपेंड करेगा हॉल मुझे कौन सा मिल रहा है, एक दिन पे हम ये ट्रेनिंग को करें, एनी वन डे, ओके. बट दिस विल बी लाइक होल डे ट्रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग 10 o'clock टू इवनिंग 6 o'clock, पूरा दिन का वर्कशॉप रहेगा ये. फाइन, एंड जो मैंने आज जितना प्रोडक्ट के बारे में बताया, मैंने जानबूझ के लास्ट टाइम ये प्रोडक्ट्स को अलग रखा था, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट ना इजी वाले प्रोडक्ट्स है, इसको आप यूं निकाल सकते हो, ये सिर्फ थोड़ा सा समझने की बारी है. वो प्रोडक्ट्स जो पहले जो 5 प्रोडक्ट है उसमें आपको स्किन की प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, जबकि ये प्रोडक्ट्स में स्किन प्रॉब्लम नहीं समझनी है. जो आज के हमने 6 प्रोडक्ट्स देखे, इसमें स्किन प्रॉब्लम नहीं समझनी, इसमें स्किन ग्लो ही है. तो हर दूसरा बंदा यहाँ रोता है कि उसके चेहरे पे ग्लो नहीं है. नाउ यू कैन गिव दिस थिंग कि कैसे चेहरे पे ग्लो आ सकता है. जरूरत नहीं है अनामिका कि आप उसको टिश्यू पेपर से डैप करो, आप डायरेक्टली ही स्प्रे करके छोड़ दो फेस को, जरूरत नहीं पड़ेगी डैप करने की. विद इन 2 मिनट्स वो पूरा स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा. ओके, फाइन. सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है. सर, मेरे तरफ से आज का सेशन यहाँ खत्म होता है. थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सर. ओके, तो सबसे पहले तो देखिए आरती जी, आपने एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया कि सूरत में आप नेक्स्ट मंथ का एक प्लान कर रहे हैं, और ये फुल डे प्लान होगा जिसमें लंच वगैरह के साथ होगा, यानी कि सारी चीज कवर कर सकते हैं पूरे दिन में. राइट सर. तो ये जो आप सेशन रखने वाले हैं, ये चार्जेबल होगा या फ्री होगा? मुझे ऐसा लगता है चार्जेबल होगा सर ये. हाँ, क्योंकि लंच आता है बीच में, तो फिर चार्जेबल होता ही है. तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, पर जो चार्ज होता है वो इतना नॉमिनल होता है कि उसके सामने इतनी जबरदस्त हमें इनको नॉलेज मिलती है, तो वो चार्ज का कुछ भी नहीं है. लेकिन एक चीज और भी है कि हमारे इस टीम में भले ही कम लोग आए, लेकिन कुछ लोग महाराष्ट्र से हैं, कुछ लोग कहीं और से भी है, तेलंगाना से भी हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि उनके एरिया में क्यों ना आपके सेशंस हो. तो कहीं ना कहीं से कुछ अगर अप्रूवल की भी जरूरत पड़े तो लीजिए, क्योंकि नांदेड़ से डिमांड आ रही थी. इसके अलावा तेलंगाना में आदिलाबाद में हमारा बहुत बड़ा टीम है, सुनीता पिपलवा जी यहाँ पे अभी बैठे भी हैं, पीछे क्राउन डायरेक्टर है. ओके. तो मैं चाहता हूँ कि उधर भी करें, और साथ साथ देखिए आपने ना केवल प्रोडक्ट्स बताए बल्कि साथ साथ आपने कंपैरिजन भी किया. देखिए कि अगर आप ये प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हो तो बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि हम आज की डेट में क्या सोचते हैं कि हमारा बिजनेस हो, पीवी आए हमारे पास, पीवी भी आए, साथ में हमारे फेस पे ग्लो भी आए, चमक आ जाए और बिजनेस भी होता रहे. देखिए वही तो है कि खर्चों को इनकम में बदलना, तो खर्चों को इनकम में बदलने का बहुत अच्छे अच्छे आपने बताई, और मैं जरूर ये इस बार श्योर हूँ कि आपके इन सेशंस के बाद हमारे टीम में स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा और
तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों को जब तक नॉलेज नहीं होती तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं ये प्रोडक्ट्स इतने महंगे हैं, पर वो अब महंगे हैं लेकिन वो हमारा बॉडी जितना महंगा उसके सामने बहुत ही सस्ते हैं। तो सब लोग स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स यूज करिए, और आरती जी अभी हमारे साथ बनी रहेंगी हर हफ्ते कुछ हफ्तों तक, जब तक वो चाहें तब तक बन सकते हैं, क्योंकि वेडनेसडे उनके लिए हमने फिक्स कर दिया, अभी कोई और नहीं है। तो मैं लास्ट चीज एक ही चाहूंगा कि आप ये अनाउंस कर दीजिए अपने आप से आपकी नेक्स्ट वीक एक्चुअली ये आज थर्सडे करवा दिया हमने क्योंकि आपका कुछ प्रॉब्लम था, एक्चुअली कल मेरा ट्रेन फ्लाइट कैंसिल हो गया था तो मुझे ट्रेन से रिटर्न आना पड़ा था। इसके लिए आपने ये कहा कि मेरा वेडनेसडे छोड़ दो, आप थर्सडे रख दो, तो हमने कहा ठीक है थर्सडे रख देते। तो वैसे आप वेडनेसडे ही रखिएगा, तो वेडनेसडे नेक्स्ट वेडनेसडे में 9 o'clock आप कौन सा सेशन करने वाले हो ये आप सबको बता दीजिए। नेक्स्ट वेडनेसडे सर 30 तारीख आ रहा है, आई थिंक वो भी पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, बिकॉज आई एम ट्रेवलिंग ऑन दैट डे, आई एम कमिंग बैक टू अहमदाबाद फ्रॉम पुणे और मेरा नाइट का ही फ्लाइट है वो। नहीं तो एक काम करिए 30 और 31 छोड़ दीजिए, आप ट्यूसडे कर सकते हैं। ट्यूसडे 29 तारीख को, 29 क्योंकि 29th को शायद ऐसा भी रहेगा कि लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, 30th and 31st क्योंकि ये 31st March है, इस बार 1 तारीख को क्लोजिंग नहीं होगी, 31st को ही होगी, तो सबको क्लोजिंग में भी बिजी रहेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 29 भी अगर सुटेबल है तो हम 29th को यानी कि ट्यूसडे को रख सकते हैं। ठीक है, we will do on Tuesday and हम लोग Tuesday के दिन ना we will talk about the only skin mistral of Milan, हम मेकअप पे बात करेंगे, only theoretical part लेंगे, हम डेमो पार्ट नहीं लेंगे क्योंकि डेमो पार्ट हम दिन में लेंगे, तो जो दिन का हमें समय मिलेगा ना डे टाइम का 3 बजे वाला हम उसमें डेमो पार्ट लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है तब हम डेमो नहीं कर सकेंगे और मैं आपको लिटरली डेमो करके दिखाऊंगी। सो हम 29 को वी विल वर्क ऑन थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ मिस्ट्रल ऑफ मिलान प्रोडक्ट्स। तो अभी आपने सबने सुन लिया कि थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ मिस्ट्रल ऑफ मिलान नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को आने वाला नहीं, 5 ही दिन बाद, क्योंकि हम आज थर्सडे में हैं। तो बस आप लोग तैयारी रखिए और आप लोग इसी तरीके से आते रहिए, वैसे तो 40-45 लोग थे, अभी 33 रह गए, लेकिन अगर अपने साथ एक एक दो दो लोग और लाएंगे तो मेरे हिसाब से और अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना हमारे पास नॉलेज आएगी तभी हम उतना अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। तो आरती जी आज के लिए बहुत बड़ा थैंक यू आपके लिए, थैंक यू सो मच सर, आपने लिए टाइम निकाला और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किए सारे प्रोडक्ट्स। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते, जो लोग भी रह गए जिन्होंने आज के सेशन को नहीं सुना तो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जो थोड़े समय बाद ही आपको ग्रुप में मैं उसका लिंक भेज दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, विश यू वेल, थैंक यू सो मच, विश यू वेल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।